वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूं मीनाक्षी। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स पार्ट टू। पार्ट वन हम ऑलरेडी अपने चैनल पे काफ़ी टाइम पहले अपलोड कर चुके हैं एंड पार्ट टू का भी काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी, सो हमने डिसाइड किया कि इसका हम पार्ट टू भी बनाएंगे। सो आज के हॉल वीडियो में हम इंक्लूड करने वाले हैं फुटवेयर, स्पेशली पंजाबी जूतीज, उसके अलावा स्किन केयर प्रोडक्ट्स एंड हैंडबैग्स। तो ये तीन कैटेगरी मेनली इन्वॉल्व रहेगी। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर कोई भी प्रोडक्ट आपको पसंद आता है तो लिंक विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए आज का हॉल वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे फुटवेयर्स का सेक्शन, क्योंकि ये है मेरा फेवरेट सेक्शन और इसमें मैंने परचेज की है मल्टी कलर्ड की जूती। मल्टी कलर्ड इसलिए परचेज किया क्योंकि हर टाइप के सूट के साथ ये चल जाएगी एंड ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी की जूतीज़ हैं और काफ़ी स्टर्डी है, ऐसा नहीं कि बहुत नाजुक सी है और पहनते टूट जाएंगी। दीज आर फ्रॉम द ब्रांड डी एफ आर स्टोर एंड ये मुझे पड़ी है अराउंड 700 रुपीज़ और इसमें मैंने साइज पिक किया 5U के। नाउ नेक्स्ट मैंने जो पिक किया वो है फ्लोरल जूतीज़ एंड फ्लोरल चीज़ें आजकल आपको पता ही है बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, चाहे फ्लोरल ड्रेस हो या फिर फ्लोरल जूती हो। सो इसलिए मैंने ये वाली जूतीज़ पिक की है एंड दीज आर फ्रॉम द ब्रांड जूती स्टिक एंड मैंने इसमें साइज पिक किया 5U के और मैं आपको कॉस्ट बता देती हूँ, ये मुझे पड़ी है अराउंड 899 रुपीज़। पंजाबी जूती के मैंने तीन पेयर ऑर्डर किए थे टोटल और दो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ और थर्ड वाला ये है, ये टैन कलर में यानी कि एक ब्राउन कलर में जूतीज़ है, प्लेन जूतीज़ एंड ये मैंने रेगुलर वियर के लिए रखी है क्योंकि ऑलमोस्ट डेली हम लोग शाम को जाते हैं वेरोनिका को घुमाने के लिए पार्क में लेके जाते हैं, तो उस टाइम पे मुझे इस टाइप की जूतीज की रिक्वायरमेंट थी। तो ये मैंने प्लेन सिंपल ब्राउन कलर में जूतीज परचेज किया फॉर रेगुलर वेयर। दीज आर फ्रॉम द ब्रांड ताशी एंड द प्राइस इज अराउंड 589 रुपीज। इसके बाद मैंने मंगवाया दो हैंडबैग्स, वन इज फ्रॉम द ब्रांड लीनो पेरोस और काफी अच्छी क्वालिटी का बैग है एंड एज यू कैन सी ये ग्रे कलर का बैग है और बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल बैग है। अगर आप किसी अच्छे हैंडबैग में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आई वुड रिकमेंड दिस वन, बहुत अच्छी क्वालिटी का है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे है यानी कि अराउंड 1500 मुझे पड़ा है, इतना भी एक्सपेंसिव नहीं है। आप इसे सूट्स, साड़ीज या फिर जीन्स किसी के साथ भी ले सकते हो, ऑफिस में भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, पार्टीज में भी यूज़ कर सकते हो, बहुत वर्सेटाइल बैग है और इसमें ना स्पेस भी ठीक है, मतलब इतना कम नहीं है बट बहुत ज़्यादा भी स्पेस नहीं है। अगर आपको कॉम्पैक्ट सा बैग चाहिए तो उसके लिए ये परफेक्ट है। सो इसके बाद मैंने मंगवाया है एक क्लच, सो दिस इज़ द क्लच, ब्लैक कलर में मंगवाया है, ये आपके हर ड्रेस के साथ चल जाएगा एंड बहुत अच्छी सी स्ट्रिंग मिल जाती है यहाँ पे गोल्डन कलर में, सो वेरी ब्यूटीफुल क्लच और पार्टीज में बहुत अच्छे लगते हैं इस टाइप के क्लचेस एंड काफ़ी अच्छा स्पेस भी आपको मिल जाता है, आपके इसमें मोबाइल एंड कार्ड्स वगैरह बहुत अच्छे से आ जाएंगे, सो दिस इज़ द क्लच। इसके बाद आते हैं ज्वेलरी सेक्शन पे और उसमें मैंने मंगवाई है तीन चीज़ें। पहला है ये लॉन्ग नेकलेस सेट, वेरी अफोर्डेबल, वेरी ब्यूटीफुल, इसका प्राइस मुझे पड़ा था अराउंड 189 रुपीज़ और इतने में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल मुझे नेकलेस लगा और स्पेशली जो बंद गले की कुर्तीज या फिर सूट्स होते हैं ना उस टाइप के कपड़ों के साथ इस टाइप के लॉन्ग नेकलेस बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं एंड मैं आपको रिकमेंड कर सकती हूँ, यू विल नॉट रिग्रेट बाइंग इट। उसके बाद मैंने मंगवाया है बैंगल सेट। ओके, नेक्स्ट मैंने मंगवाया है सिल्वर प्लेटेड ऑक्सीडाइज्ड बैंगल सेट फॉर गर्ल्स और ये बहुत ब्यूटीफुल बैंगल सेट है और ये मुझे पड़ा है अराउंड 385 रुपीज़। ये मैंने साइज़ मैं आपको बताती हूँ, इसमें बहुत सारे साइज़ आपको मिल जाते हैं, 2.4 इंच का साइज़ मैंने मंगवाया था बट थोड़ा सा मुझे छोटा रहा और स्पेशली वेडिंग्स में इस टाइप के बैंगल सेट बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। ये 2020 के दो सेट मिले हैं तो आप चाहो तो साइमल्टेनियसली दोनों हाथों में भी पहन सकते हो या फिर एक हाथ में आप ये वाला सेट पहन लो, दूसरे हाथ में बैंगल या फिर वॉच कुछ भी आप पहन सकते हो। ओके, इसके बाद मैंने मंगवाया है ये गोल्ड प्लेटेड बैंगल सेट, ये मैंने अपने लिए नहीं, ये मैंने मम्मा के लिए ऑर्डर किया है। मैं इस टाइप के गोल्ड प्लेटेड वाले जो ज्वेलरी होती है बहुत कम पहनती हूँ लेकिन मैंने ये वाला सेट मैंने मम्मा के लिए मंगवाया है और उन्हें काफ़ी पसंद भी आया, मैंने इनकी फोटोज़ खींच के भेजी थी उनको। सो आप भी आपके घर में अगर मदर इन लॉ है या फिर मदर है आप इस टाइप की बैंगल्स गिफ्ट कर सकते हो और ये मुझे पड़ा है अराउंड 348 रुपीज़। अच्छा, फुटवेयर्स में मैं आपको ये वाला दिखाना भूल गई थी, ये मैंने मिनीसो से लिए हैं एंड दीज आर येलो कलर्ड फ्लिप फ्लॉप, ये डेली यूज़ के लिए लिए हैं, काफ़ी क्यूट से लग रहे थे तो मैंने ये भी ऑर्डर कर दिए। उसके बाद मैं दिखाती हूँ कुछ छोटी छोटी चीज़ें मैंने वेरोनिका के लिए परचेज की है। तो ये मैंने तीन हेयर बैंड्स उसके लिए मंगवाए हैं, बहुत ही क्यूट क्यूट से हेयर बैंड है। उसके बाद मैंने उसके लिए मंगवाए हैं ये क्लिप्स, ये कुछ क्लिप्स, ये ना तीन का सेट आपको मिल जाता है और ये ना बहुत क्यूट सी क्लिप्स है। वेरोनिका इसको अभी तो लगवाती नहीं, जैसे उसको बालों में लगाते हैं तो वो उसको खींच के फेंक के उतार देती है लेकिन जब थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो लगाने लग जाएगी। ओके, तो ये हो गया ज्वेलरी का पार्ट। उसके बाद मैंने मंगवाई है कुछ स्टॉकिंग्स ट्रांसपेरेंट, ये देखिए कुछ इस तरीके की पैकिंग में आती है। ये मैंने जब मंगवाई थी ना तो मुझे डाउट हुआ था, मुझे लगा ये किसी ने मुझे आयुर्वेदिक मेडिसिन भेज दी है, तो मैंने निकाल के देखा लेकिन ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट सी स्टॉकिंग्स है। गर्मियों में ये बहुत ज़्यादा काम आती है क्योंकि गर्मियों में क्या होता है अक्सर की फुटवेयर्स में ना स्वेटिंग होना स्टार्ट हो जाती है, फिर अजीब सी स्मेल हो जाती है, तो मैं तो गर्मियों में चाहे कोई भी टाइप का मैंने फुटवेयर पहना हो लाइक जो आगे से बंद हो उसमें मैं इस टाइप की स्टॉकिंग ज़रूर पहनती हूँ, तो ये आई थिंक आपको ज़रूर खरीदनी चाहिए, गर्मियों में बहुत काम आती है। ओके, नाउ मूविंग टू द स्किन केयर प्रोडक्ट्स और सबसे पहले मैंने मंगवाया है गुड वाइब्स के दो फेस वॉश, एक है
पपाया ब्राइटनिंग फेस वॉश एंड दूसरा है गुड वाइब्स का रोज हिप डीप क्लींजिंग फेस वॉश। ये दोनों ही है 200 ml की पैकिंग में। ये वाला मैंने पहले भी यूज़ किया, ये वाला फर्स्ट टाइम मंगवाया है। पपाया का जो ब्राइटनिंग फेस वॉश है ना, इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं और मैंने पर्सनली इसे यूज़ किया, बहुत अच्छा फेस वॉश है। इसको मैंने चेंज के लिए मंगवाया, मेरे को लगा कि यार थोड़ा चेंज होना चाहिए। एंड ये अराउंड आपको 200 rupees के पड़ जाते हैं, काफ़ी अच्छा फेस वॉश है, आप डेफिनेटली इसे ट्राई कर सकते हो। उसके बाद मैंने मंगवाया है ये पामोलिव का अरोमा मॉर्निंग टॉनिक शावर जेल, और इसमें ना एसेंशियल ऑयल्स हैं एंड लेमन ग्रास एक्सट्रैक्ट है, पीएच बैलेंस्ड है, नो पैराबेन, नो सिलिकॉन, तो ये काफ़ी अच्छा है। ये मैंने 2 का पैक मंगवाया है और ये है 750 ml का, और ये आपको मिल जाता है 475 rupees में। अभी डिस्काउंट चला हुआ तो इसकी वजह से 475 में, अदरवाइज ये 550 के आसपास इसकी MRP है शायद। नेक्स्ट मैंने मंगवाई है रेने की फैब 5 लिपस्टिक। ये आजकल इसका नेट पे बहुत ज़्यादा शोर है और ये 5-in-1 लिपस्टिक है। इसमें एक ही लिपस्टिक में आपको डिफरेंट डिफरेंट शेड्स मिल जाते हैं, ये कुछ इस तरीके से निकलती है। अगर आपको नेक्स्ट वाली यूज़ करनी तो इसको निकाल के आप इसको नीचे डाल सकते हो, तो आपका नेक्स्ट शेड आपको मिल जाएगा। काफ़ी अच्छे शेड्स हैं, लेकिन अगर आप चाय कॉफ़ी कुछ पीते हो तो कप पे इसके जो मार्क्स हैं वो छूट जाते हैं, तो इसलिए मैंने इसे पाउडर की हेल्प से सेट किया है। सो दिस इज़ द नेक्स्ट प्रोडक्ट। उसके बाद मैंने मंगवाया है गुड वाइब्स का रोज हिप ग्लो रेडियंट फेस सीरम। दिस इज हाउ इट लुक्स, ये इस टाइप की पैकिंग में आता है, 30 ml की पैकिंग में मंगवाया है। 10, 20, 30 आप किसी भी पैकिंग में इसको ले सकते हो। सो इसके साथ एक ड्रॉपर आता है, और गर्मियों के लिए ना ये बेस्ट सीरम है, फेस सीरम, काफ़ी अच्छा ग्लो देता है। ये मैंने पहले भी यूज़ किया, मैंने पर्पल हॉल में भी आपके साथ ये वाला प्रोडक्ट शेयर किया था, उस टाइम मैंने 10 ml की पैकिंग में मंगवाया था, बट अब वो खत्म हो चुका है इसलिए मैंने ये एक और बॉटल 30 ml में ऑर्डर की है। इसके बाद मैंने वेरोनिका के लिए 2 products मंगवाए हैं। टिल नाउ वेरोनिका 1.5 ईयर की हो गई है, अभी तक हमने उस पर कोई भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया था। ऐसा लगता था यार बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं तो अवॉइड करना चाहिए, लेकिन ममा अर्थ के प्रोडक्ट मुझे लगा कि सेफ़ है बच्चों के लिए, तो मैंने ममा अर्थ के 2 products ऑर्डर किए हैं। 1 इज़ जेंटल क्लिनजिंग शैम्पू फॉर बेबीज़ एंड द सेकेंड इज़ ममा अर्थ डस्टिंग पाउडर फॉर बेबीज़। तो ये गर्मियों के लिए पाउडर मंगवाया है और ये बेबी के लिए शैम्पू मंगवाया है। ममा अर्थ इंडियन ब्रांड है और इसलिए ना केमिकल फ्री ब्रांड है, केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स बनाता है, तो इसलिए मैंने वेरोनिका के लिए मंगवाया। आपके घर में छोटे बेबीज़ हो तो आप ये प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट मैंने मंगवाया है आमंड ड्रॉप्स का ये 6 times विटामिन ई नरिशमेंट नॉन स्टिकी ऑयल, और ये मैंने 2 का पैक मंगवाया है। मेरे बालों में स्टार्टिंग से ये वाला ऑयल सूट करता है, सो मैं शुरू से इसे यूज़ करते आ रही हूँ, तो इसलिए मैंने ये भी ऑर्डर की है। उसके बाद मैंने मंगवाया है ये एक गार्नियर का ऑयल इन्फ्यूज क्लींजिंग वाटर मेकअप रिमूव करने के लिए। सो गर्ल्स, ये था आज का ग्रूमिंग प्रोडक्ट से रिलेटेड हॉल वीडियो। कैसा लगा आपको ये हॉल वीडियो, लिंक विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो मैं आपसे मिलती हूँ नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड बाय बाय।